हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, समाज सेवी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पद्मश्री बाबूलाल पाटोदी की 102वीं जन्म जयंती पर इंदौर गुमटगिरी पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए राजनीतिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में उनके अतुल्य योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल पाटोदी जैसे लोग विरले पैदा होते हैं जो कर्मों के आधार पर युगों तक याद रखे जाते हैं। सामाजिक समरसता के साथ उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। आज हमें उन्हें याद कर गर्व हो रहा है। मुझे 2 दिन पूर्व ही इस आयोजन के बारे में बताया गया। मैंने कहा अन्य कार्यक्रम काट सकता हूं, पर महामानव बाबूलाल पाटोदी के आयोजन में जरूर जाऊंगा। मैट्रिक पास थे लेकिन पढ़े लिखे को दिशा देने की क्षमता रखते थे। इसके पूर्व कमलनाथ सुबह 10 बजे विमानतल से सीधे गोमटगिरी पहुंचे, जहां पूज्य पद्मश्री बाबूलाल पाटोदी जी की जन्म जयंती पर गोमटगिरी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अतिथियों में सज्जन वर्मा, सुरेश पचौरी, बाला बच्चन, महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाखलीवाल, विजय लक्ष्मी साधो आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कमलनाथ का मालवी पगड़ी पहनाकर पाटोदी परिवार ने स्वागत किया। ट्रस्ट की ओर से केसर तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। गोमटगिरी ट्रस्ट के महामंत्री भरत मोदी ने आभार माना। पाटोदी परिवार की ओर से सौरभ पाटोदी ने सभी अतिथियों व सम्माननीय समाजजनों, मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी के पौत्र एवं दिगंबर जैन समाज के मार्गदर्शक नकुल पाटोदी ने बताया कि आज बाकी 102वीं जयंती के अवसर पर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन से अनिल नीमा, विजय जैन, गिरधर गोपाल नागर, सियागंज से दिनेश आंचलिया, मर्चेंट एसोसिएशन के मुकेश टोंगिया, निर्मल सेठी, क्लॉथ मार्केट बैंक से मुकेश थावरानी, पुलक मंच से प्रदीप बड़जातिया, जैन पेढ़ी से अजय पाल टोंगिया, गोमटगिरी ट्रस्ट से विमल सेठी, भगवान राजेंद्र गंगवाल, प्रतिपाल टोंगिया, सुभाष सामरिया, महासमिति से सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र बड़जात्या, दिगंबर जैन समाज से नरेंद्र वैद्य, अध्यक्ष सामाजिक संसद इंद्र भवन से सर सेठ हुकुमचंद जी के प्रपोत्र कमलेश कासलीवाल उपस्थित थे। बाबूलाल जी पाटोदी पूर्व सांसद, उनकी 102वीं जयंती थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पे आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन यहाँ पे? आज पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी, जो कि मेरे दादाजी थे, उनकी 102वीं जयंती थी। पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी, ऐसा कहा जाता है कि इंदौर के निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। स्कूल हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, धर्मशालाएँ हो, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल हो, इन सब का निर्माण उन्होंने गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप का अनुसरण करते हुए निर्माण ही नहीं कराया, बाकी हजारों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाकर इस देश सेवा के लिए रद्द किया। यह जो तीर्थ क्षेत्र आप अद्भुत देख रहे हैं, यह पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी की ही देन है। उन्होंने उनके जन्मदिन पर माननीय श्री अर्जुन सिंह जी ने यह पूरी जमीन उनके जन्मदिन पर भेंट की थी। उन्होंने समाज को भेंट करके यहाँ एक तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया, जो आज देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चित है। अतिशय क्षेत्र के रूप में यह जन जन में चर्चा का विषय है। आज 102वीं जयंती पर क्या समारोह, क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए? आज यहाँ 102वीं जयंती पर जब 1-2 दिन पहले ही माननीय श्री कमलनाथ जी को पता लगा, तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर बाघ की मूर्ति पर, इंदौर आने वाले थे 15 तारीख को फॉर्म भरवाने के लिए, उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर पद्मश्री बाबूलाल जी को याद किया और उनकी मूर्ति पर सबसे पहले इंदौर पहुंचते ही माल्यार्पण करने का कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी का भी योगदान रहा।